तो नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में जैसे कि आप लोग जानते हो मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ, नए नए ऐसे बिजनेस आइडिया जिसको आप घर से शुरू कर सकते हो और चाहो तो अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी बिजनेस की जानकारी के लिए मैं आ गया हूँ सोहिल सर के पास। जैसे कि मैं जानते हूँ मैं नए नए बिजनेस के लिए, नए नए मशीन्स के लिए सर की कंपनी में मैं आता रहता हूँ। तो आज मैं ऐसे ही मशीन की जानकारी लेने के लिए आपके पास आ गया हूँ। बट बेसिकली मैंने इस मशीन के बारे में आपको ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो में ही बता रखा है, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। बट मैं लाइव ही आपको दिखाने आ गया हूँ कि इस मशीन से प्रोडक्ट बनता कैसे है, किस तरह से आप प्रोडक्ट बनाओगे, इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, प्रॉफिट कितना होगा और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, मशीन को चलाने के लिए बिजली लगती है या नहीं लगती, ये सारी की सारी जानकारी मैं सर से पूछने वाला हूँ और सर आपको सारी जानकारी देंगे। तो सोहिल जी बताइए कि आज कौन सी बिजनेस के बारे में, कौन सी मशीन के बारे में हमारे व्यूवर्स को आप बताने वाले हो? आज की इस वीडियो में हम अपने व्यूवर्सों के लिए एक ऐसी मशीन और एक ऐसा बिजनेस लेकर के आ गए हैं जो बिना बिजली के होने वाला है। अच्छा, जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी हमारे व्यूवर्स ने, उस पे जो है मशीन खरीदते हैं तो उसमें बिजली से मशीन चलती है ऑलमोस्ट वीडियोस में। हाँ, इस बिजनेस में जो है आपकी जो मशीन रहने वाली है उस मशीन को आप बगैर बिजली के चला सकते हैं। अच्छा जी, तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? तो इसमें जो होता है अपने किट का हिसाब होता है। अच्छा। जैसे आप 100 पीस का, 50 पीस का किट लेते हैं, 200 पीस का किट लेते हैं, तो अलग अलग रेट जो है इसमें रहने वाला है। अच्छा। बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं मात्र 10,000 रुपए की किट आप लेकर के शुरू कर सकते हैं। तो मतलब कि 10,000 की जो किट मिलेगी उसमें मशीन प्लस रॉ मटेरियल दोनों, मशीन प्लस रॉ मटेरियल उसमें होगा। अच्छा, तो रॉ मटेरियल में क्या क्या चीज होगी? रॉ मटेरियल में देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये देख रहे हैं ये क्लिप और ये कैप इसमें मिलेगा आपको। अच्छा। और रॉ मटेरियल में इसको अपना कहा जाता है, ये जो धागा देख रहे हैं इसको कहा जाता है यार्न। अच्छा। जो कि ये अपना होता है जैसे पोछा लगाने में काम आता है, इसको यान कहते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद आपको जो है ये मिलने वाला है इसका कवर और ये आपको मिलने वाली है इसकी स्टिक। अच्छा। तो यही 4-5 आइटम आपको रॉ मटेरियल मिलने वाला है। अच्छा। तो ये मतलब कि पर प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है वैसे? ये मात्र 2 मिनट आपके जो है, 2 मिनट भी नहीं, मात्र 1 मिनट में आपका जो है प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। तो सोहिल जी, इस मशीन से डेली प्रोडक्शन कितना होगा, मतलब कि डेली बेस पे कितने प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं इसमें? डेली की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको 1 घंटे की प्रोडक्शन इसमें 200 पीस की निकलवा दूँ। अच्छा। और 200 पीस और पर प्रोडक्ट जो पीस रेडी होता है उस पर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना रहता है? इसमें रहता है जैसे 20-25 रुपए का मार्जिन रहता है। अच्छा। अगर आप होलसेलर में सेल करते हैं, होलसेलर को सेल करते हैं। अच्छा। तो 20-25 रुपए अगर आप रिटेल में सेल करते हैं। अच्छा। तो आपका 50-60% का इसमें मार्जिन रहने वाला है। अच्छा। जैसे कि आपकी लागत आती है 30 रुपए, रिटेल में आपका जाता है 100-150 रुपए का। अच्छा। और आपको अगर होलसेलर को देना है आपका 30 का, अगर 28-30 का आपका रेडी हो रहा है। अच्छा। तो आप मार्केट में इसको 60 रुपए या 45 रुपए जैसा आपको क्वांटिटी में होलसेलर मिले आप उसी रेट में अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आप बेच सकते हैं। हाँ जी। ओके, तो मतलब डेमो दिखाएंगे इस मशीन का, मतलब प्रोडक्ट कैसे रेडी होता है? हाँ, क्योंकि मुझे लग तो रहा है वैसे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा प्रोडक्ट रेडी होने में, बट फिर भी व्यूवर्स के लिए मैं चाहता हूँ आप एक डेमो जरूर दिखाएं कि प्रोडक्ट रेडी कैसे होता है। तो चलिए, अब मैं आपको पहले इसका डेमो करके दिखाता हूँ कि कैसे ये मशीन काम करती है, कैसे आप प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, जैसे आपको पहले ये लेना है यार्न, ये यार्न आप देख रहे हैं, ये साइज के हिसाब से आपको जो है ग्राम के हिसाब से मिलेगा, इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है, वो जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको साइज दे देंगे। फिर उसके बाद आपको एक क्लिप लेनी है, इस क्लिप के अंदर यान को फंसाना इस तरीके से, ये मैंने इसके अंदर फंसा लिया बीचों बीच करके आई हूँ ताकि आपका पूछा ही रही है, ये मैंने बीचों बीच इसको फंसा लिया ऐसे। फिर अब इसके बाद जो है आपको ये कैप लेनी है, ये कैप को जो आपको इस डाई के अंदर फंसा देनी है, मशीन का साथ आपको ये डाई मिलेगी, आपको इसके अंदर फंसा देना है इस छेद में क्लिप को, ये देखिए। फिर उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, ये आपको डाई को सेट करके इसको जो है मशीन का आपको प्रेस करना है, ये देखिए, ये आपको प्रेस कर देना, ये देखिए, ये आपका जो है प्रेस हो गया और ये आपको जो है आपका ये पोछा बनके तैयार हो गया। देखिए, अब इसमें जो है आपको ये स्टिक लेनी है, स्टिक के बाद आपको ये इसका कवर लेना है, अगर आप कवर लगाना चाहते हैं तो कवर भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहते सस्ते लेना चाहते वो भी आपको हो जाएगा, ये देखिए। फिर उसके बाद हमको जो ये इस तरीके से सेट कर देना है इसको, बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है। फिर ये हमारा जो है पोछा बनके तैयार हो गया जी, और ये आपका कवर रह गया इसके अंदर ताकि निचोड़ने उचोड़ने कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अभी आपने इस मशीन का डेमो देख लिया होगा कि मशीन से रॉ मटेरियल के साथ प्रोडक्ट फाइनल जो रेडी हुआ है वो डेली बेसिस पे हर घर में यूज़ होता है, जिसको हम मोप कहते हैं। मोप का यूज़ जो है डेली बेसिस पे सफाई के लिए यूज़ होता है,
जैसे कि आप लोग जानते हैं, और कोरोना के बाद इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है। तो सोहेल जी मेरे को ये बताइए फाइनल कि इस बिजनेस से, जैसे कि आपने बता ही दिया कि ये बिजनेस घर से भी स्टार्ट हो सकता है, एक छोटे से कमरे में स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मशीन ज्यादा बड़ी नहीं है, घर से स्टार्ट कर सकता है। हाँ। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष करना चाहे वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन हाउसवाइफ जो होती है वो भी स्टार्ट कर सकती है, बच्चे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कॉलेज स्टूडेंट्स है वो अपनी स्टडी के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई आपके साथ ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो प्रॉफिट कितना कमा सकता है, वो आपने तो पर प्रोडक्ट में को प्रॉफिट बताया था, लेकिन डेली बेसिस पे कितना प्रॉफिट निकल सकता है और मंथली कितना निकल सकता है, इसके बारे में जानकारी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस एक प्रोडक्ट पे 30% का इस पर मार्जिन आने वाला है। तो जैसे कि अगर आप किसी होलसेलर को ये 100 पीस आप एक दिन में सेल करते हैं इस तरीके के जी, ये तैयार करके आप 100 पीस अगर सेल करते हैं मार्केट में, हाँ। तो इस पे 30 रुपए का एक पीस पे मार्जिन आता है, तो वो एक दिन का जो है 3000 रुपए कमा सकता है। होलसेलर जो है ऐसा नहीं कि आपका एक दो पीस लेगा, क्योंकि होलसेलर लेते हैं एक ही बार 15-20-25-50 पीस एक ही बार में उठाते हैं। तो अगर आपने दिन भर में ऐसे 2-4 होलसेलरों को 25-25 करके अगर आपने मार्केट में सेल कर दिया, 100 पीस आपने अगर सेल कर दिए घूम फिर के, तो आपके जो है 3000 रुपये आराम से खड़े हैं, आपका 30 रुपये में तैयार होता है। होलसेलर 60 में आराम से लेता है, होलसेलर जो मार्केट में रिटेल में बेचेगा वो 150 का बेचता है। हाँ, और अगर आपको ये लूज में बेचना है, जैसे कि अगर आपको सिंगल सिंगल बेचना है, आपको होलसेलर को नहीं बेचना है, तो भी ये मार्केट में आपका 100 रुपये तक का जाता है। 100 रुपये में आप इसको सेल करोगे तो आप देख सकते हो 70 रुपये आपको एक पीस पे मार्जिन आने वाला है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप होलसेलर को बेच सकते हो, वो कौन से होलसेलर है, मतलब कहाँ मिलेंगे? मतलब जैसे होलसेलर आप देखिए, किराना स्टोर में आप जहाँ पे सामान लेने जाते हैं, किराना स्टोर हार्पिक भी रखता है, साफ सफाई की सारी सामान रखता है वो, तो जाहिर सी बात है वो ये भी रखेगी, क्योंकि वो भी तो दुकानदार से ले गई, ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग दुकान है। वैसे बहुत दुकानें अलग भी होती है, जैसे स्टील के बर्तन वगैरह बिकते हैं मार्केट में, कई दुकानें होती है, तो हर कोई जो ये प्रोडक्ट रख सकता है, चाहे वो किराना वाला हो, होलसेलर हो, तो डिटेल में भी आपका ही सेल हो जाता है, आप घर घर जाके भी सेल कर सकते हो, बिल्कुल आराम से आपका 150 में सेल होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये छोटा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा, स्मॉल बिजनेस आइडिया है, छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाएगा, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई रोजगार ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कंपनी से सीधी बात कर सकते हो, कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। वैसे सर एड्रेस कहाँ आने वाला है, हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। सर हमारा जो बेसिकली एड्रेस है, हमारी जो कंपनी का नेम है वो है चॉइस इंडिया के नाम से हमारी कंपनी है। अच्छा। और हमारी जो कंपनी है बेसिकली दिल्ली में इंद्रलोक में है। अच्छा। दिल्ली में हमारी हेड ब्रांच है। अच्छा। और बिहार में जो है हमारी ब्रांच है, जो कि बिहार के दरभंगा जिले में पड़ती है हमारी ब्रांच, दरभंगा जिला दिल्ली मोड़ बस स्टैंड है वहाँ पे, तो वहीं पे आप आकर के अगर कॉल करेंगे तो आपको रिसीव कर लिया जाएगा। महिंद्रा कार का एजेंसी है, उसके बगल में अपना ऑफिस है बिहार में, ठीक है। और दिल्ली में आप इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर आकर के आप कॉल कीजिए तो आपको रिसीव करवा लिया जाएगा। यानी कि दोनों ही एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे बिहार के नियर बाय हो या दिल्ली के नियर बाय हो, दोनों ही ब्रांच में विजिट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा। तो ऐसे न्यू बिजनेस आइडियाज के लिए बिजनेस आईक्यू यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।